वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू द बैक एक्सरसाइज एंड द क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर 5 ज्योग्राफी द फोर रियल्स ऑफ द अर्थ। इन दिस चैप्टर वी आर स्टडी अबाउट द डिफरेंट रियल्स ऑफ द अर्थ, दैट इज लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोसफेयर एंड बायोस्फेयर एंड देयर इम्पोर्टेंस। एंड टूडेज वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द क्वेश्चन आंसर एंड back exercise. Let us start today's work. Geography chapter 5, the four realms of the earth. First of all, multiple choice questions. The choose the continent known as the continent of extremes. वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसे हम कॉन्टिनेंट ऑफ एक्सट्रीम्स के नाम से भी जानते हैं, मीन्स जहाँ पर सबसे लार्जेस्ट या सबसे स्मॉलेस्ट थिंग्स पाई जाती हैं। तो दैट आर ऑप्शंस एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका। द करेक्ट आंसर इज एशिया। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर इज गंगा, नाइल, अमेजोन और मिसिसिपी। करेक्ट आंसर इज नाइल। नाइल इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 77% ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ इज फाउंड इन द आइस शीट, ग्राउंड वाटर, ओशियंस, लेक्स। तो करेक्ट आंसर इज आइस शीट्स। नेक्स्ट आवर क्वेश्चन इज द अमेजोन रिवर बेसिन इज इन, ऑप्शंस आर अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया। द राइट आंसर इज साउथ अमेरिका। नेक्स्ट इज आवर क्वेश्चन द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमोसफियर बाय परसेंटेज। परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमारे एटमोसफियर में सबसे अबंडेंट मीन सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, एर्गोन, विच गैस इज दैट। द करेक्ट आंसर इज नाइट्रोजन। नेक्स्ट आवर फिल इन द ब्लैंक्स। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ डैश गैस, कौन सी गैस है, ग्रीन हाउस गैस। लक्षद्वीप इज एन एग्जांपल ऑफ एन डैश अटॉल्स। द लक्षद्वीप इन आइलैंड दैट इज एग्जाम्पल ऑफ अटोल्स आइलैंड। नेक्स्ट डैश डेजर्ट प्रेजेंट इन द नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका में कौन सा डेजर्ट है, आंसर इज सहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट बिफोर द प्रेजेंट कॉन्टिनेंट द सुपर कॉन्टिनेंट वाज कॉल्ड। जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिनेंट्स है उससे पहले जो सुपर कॉन्टिनेंट था उसको हम क्या कहते थे, आंसर इज पैनकिया। नेक्स्ट इज आवर एंडीज। डैश इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट मीन्स लंबी, सबसे लंबी माउंटेन रेंज का नाम क्या है, आंसर इज एंडीज। नेक्स्ट आवर ट्रू एंड फॉल्स। हमने यहाँ पर बताना है कि ये स्टेटमेंट जो दी है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। द अर्थ वॉज वंस कॉल्ड पैनकिया, अर्थ को बहुत समय पहले पैनकिया बोला जाता था, आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट यूरोप वॉज वंस कॉल्ड वाइट कॉन्टिनेंट, यूरोप को वाइट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता था, आंसर इज फॉल्स, नहीं कहा जाता था। वाइट कॉन्टिनेंट मीन्स जहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। नेक्स्ट इज एशिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, एशिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। नेक्स्ट द कोर लाइज बिलो द क्रस्ट, जो अर्थ की लेयर है कोर वो क्रस्ट के बाद आती है, आंसर इज फॉल्स। फर्स्ट लेयर क्रस्ट होती है, सेकंड मेंटल है, थर्ड और लास्ट वन इज द कोर। नेक्स्ट इज अफ्रीका इज द मोस्ट पॉपुलर कॉन्टिनेंट, अफ्रीका सबसे पॉपुलर कॉन्टिनेंट है, तो आंसर इज फॉल्स। पॉपुलर कॉन्टिनेंट कौन सा है, दैट इज एशिया। नेक्स्ट इज आवर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट वन इज व्हाट आर द फोर मेजर रियल्स ऑफ द अर्थ, अर्थ की फोर मेजर रियल्स कौन से हैं, पार्ट कौन से हैं। द फोर मेजर रियल्स ऑफ द अर्थ आर हाइड्रोस्फीयर, एटमोसफियर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। नेक्स्ट नेम द मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ, जहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि अर्थ पर मेन कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं। द मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ दैट आर
according to the size: Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe and Australia. These are the 7 continents on the earth. Next question is, name the 2 continents lie entirely in the southern hemisphere. Southern hemisphere means ki earth ko 2 part mein divide kiya gaya hai. This is the equator, this is northern part, this is the southern part. To kaun se 2 continent hai jo puri tarah southern is part mein lie karte hain? The correct answer is Antarctica and Australia. Next question is, what is meant by Eurasia? Eurasia किसको कहते हैं? Asia and Europe together called Eurasia. Asia और Europe को हम अगर together इकट्ठा बोला जाए तो हम उसे Eurasia बोलते हैं. Next is our, in which layer of the atmosphere weather elements are found? कौन सी लेयर है एटमॉस्फेयर की जहाँ पर वेदर एलिमेंट्स मीन जो वेदर में चेंजेस होते हैं वो पाए जाते हैं, उस कारण वेदर चेंज होता है. तो फर्स्ट लेयर इज़ ट्रोपोस्फेयर. तो फर्स्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की जिसका नाम है ट्रोपोस्फेयर. दैट लेयर वी कैन फाउंड द वेदर एलिमेंट्स. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट short answer type questions and the long answer type questions of this chapter. Thank you for watching this video.